गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स. अभी यहाँ पे मॉर्निंग है इसलिए मैं आपको गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ. सो वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल विद द कोर्स ग्रिड स्लैब. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पोर्शन को कवर किया है ग्रिड स्लैब में, और मैंने कहा था कि हम अगले लेक्चर में रैंकिन ग्रासोफ मेथड का इंट्रोडक्टरी या फिर उसे समझेंगे. तो ये लेक्चर में मैं कवर करूंगा आपको रैंकिन ग्रासोफ मेथड. रैंकिन ग्रासोफ मेथड ओके. तो यहाँ पे आज हम ऐसा समझेंगे कि हम यहाँ रैंकिन ग्रासोफ मेथड से कैसे हमें ग्रिड स्लैब को डिजाइन करना है. ओके सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रैंकिन ग्रासोफ मेथड में क्या होता है. कुछ होता नहीं है, सिर्फ मोमेंट्स फाइंड करनी होती. ज्यादातर डिजाइन में हमें पता है कि डिजाइन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. डिजाइन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रोवाइड रेनफोर्समेंट. क्या होता है? टू प्रोवाइड रेनफोर्समेंट. ओके. और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है तो रेनफोर्समेंट में एएसटी होता है. एएसटी के लिए हमें चाहिए पीटी, पीटी के लिए चाहिए हमें मोमेंट, और मोमेंट के लिए चाहिए हमें लोड्स. ओके ये सीक्वेंस हर एक डिजाइन का कॉमन थिंग है. तो अब यहाँ पे हर एक डिजाइन में क्या होता है तो मोमेंट का इक्वेशंस चेंज होता रहता है. ओके अगर आप वन वे स्लैब में जाएंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, टू वे में जाए तो एम एक्स डब्ल्यू एक्स एल एक्स स्क्वायर बाई एट, ओके अल्फा एक्स डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई एट, ऐसा इक्वेशन यूज होगा. ठीक है तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें? तो यहाँ पे देखो, समझ लो कि ये पूरा एक ग्रिड स्लैब है. ओके अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि ये स्क्वायर है. क्या है ये? स्क्वायर ग्रिड स्लैब. तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्रिड से बनाई हुई है. ठीक है ये ऐसे ग्रिड्स बनाई हुई है. मैं इसमें से एक ग्रिड का कंसीडर करूंगा कि मैं ये वाला कंसीडर कर रहा हूं. चलो ये ग्रिड हम लेते हैं और उसको ग्रिड स्लैब में डिजाइन करते हैं. तो उसको मैं थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूँ. कैसे बड़ा सा बना देता हूँ? तो ये ऐसा हो जाएगा. देखो वो मैंने कंसीडर किया. ठीक है तो ये वाला मैंने कंसीडर किया. तो ये हो गया अपना एलेक्स. और ये हो गया अपना एल वाई. ठीक है तो अब हम इसे क्या समझे? ये ग्रिड स्लैब हो तो इसके शेप के हिसाब से तो हमारा क्या होता है? एल वाई बाय एल एक्स होता है. अगर एल वाई बाय एल एक्स इज ग्रेटर देन टू हो गया तो वो क्या हो गया? वन वे स्लैब हो गया. अगर एल वाई बाय एल एक्स इज लेस देन टू हो गया तो वो क्या हो गया? टू वे स्लैब हो गया. तो ये क्या है? अपना ly by lx square है. तो ly by lx हो गया अपना 2a slab. क्यों? क्योंकि ये मैंने एज्यूम क्या किया हुआ है कि ये वाला किया हुआ है हमें स्क्वायर. सो स्क्वायर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये हो गया अपना 2a slab. और ये फोर साइड से कंटिन्यूस है. यहां से भी कंटिन्यूस है, यहां से भी कंटिन्यूस है, यहां से भी कंटिन्यूस है, यहां से भी कंटिन्यूस है. ये फोर ये साइड से भी कंटिन्यू है, ये से भी कंटिन्यू है, यहाँ से भी कंटिन्यू है और यहाँ से भी कंटिन्यू है. ऐसा मैंने समझ लिया. पर मेन मोटो तो क्या हो गया कि ly by lx. तो ly by lx is less than 2. That's why it is considered as a 2a slab. अब 2a slab तो कंसिडर हो गया, पर जब हम एक्चुअल 2a slab कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? सोचो. अगर ना सोचा हो तो मेरा एक वीडियो है डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब, उसमें आपको मैंने सिखाया है कि कैसे फाइंड करते. बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आज अंडरस्टैंड करने के लिए.
अगर मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर स्लैब लिया तो 2A स्लैब में हम उसे कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2A स्लैब में हम उसे ऐसा करते हैं कि यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, ये बीम 1 हो गया, ये बीम 2 हो गया, ये बीम 3 हो गया और ये बीम 4 हो गया, तो यहाँ पे लोड ऐसे जाएगा, यहाँ पे 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 ऐसे जाएगा। तो हम कहाँ पे भेजते थे उस बीम को, कि सारे लोड्स को हम बीम्स पे भेजते थे कि वो बीम से होके कॉलम पे जाएगी, पर यहाँ पे तो ये ग्रिड स्लैब, यहाँ पे तो हमने सेंटर में कॉलम रखे ही नहीं, इंटरमीडिएट इंटरसेक्शन पे कहीं पे भी कॉलम नहीं आएंगे, लोड कहाँ आएगा, बीम पे तो जाएगा पर बीम से कॉलम पे नहीं जाएगा, बीम से दूसरे बीम पे जाएगा और दूसरे बीम से कॉलम पे जाएगा, क्योंकि हमने कॉलम कहाँ रखे, फेरी फेरी पे रखे। तो रैंक एंड ग्रासोफ मेथड में उन्होंने ये थियरी को एक्सप्लेन ऐसे किया है कि उन्होंने स्लैब की सेंटर में दो स्ट्रिप बनाई, एक एक्स डायरेक्शन में स्ट्रिप बनाई और एक वाई डायरेक्शन में स्ट्रिप, ठीक है। तो इन स्ट्रिप का उन्होंने डिफ्लेक्शन फाइंड किया, इसको मैंने स्ट्रिप का नाम दे दिया ए और बी, और इस स्ट्रिप का मैंने नाम दे दिया सी और डी, ठीक है। अगर दोनों स्ट्रिप डिफरेंट है तो दोनों स्ट्रिप पे डिफ्लेक्शन भी डिफरेंट आएगा, दोनों स्ट्रिप पे लोड भी डिफरेंट लगेगा और दोनों स्ट्रिप की लेंथ भी डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप बनाता हूं तो मैं ऐसी स्ट्रिप मेरी बन जाएगी, देखो, और यहाँ पे दो सपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे इस साइड भी ये स्ट्रिप बन गई वाई डायरेक्शन की, तो यहाँ पे भी ऐसे सपोर्ट बन जाएगी मेरे, ठीक है। तो उस पे लोड कैसा लगेगा, ये वाला लगेगा यूडीएल फॉर्म में, और इस पे भी लोड यूडीएल वाला लगेगा ऐसे फॉर्म में। तो अब ये फिगर पे से ही बोल सकते हैं कि इसका मोमेंट का इक्वेशन क्या है, इसका मोमेंट का इक्वेशन क्या आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, ये इक्वेशन यूज करके हम इसकी मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि द स्लैब इज वन, एक ही स्लैब है, द स्लैब इज वन एंड द लोड्स आर टू, विच वन, फर्स्ट वन इज ऑन ए बी स्ट्रिप एंड सेकंड वन इज ऑन सी डी स्ट्रिप, ओके, एक ए बी स्ट्रिप पे है और एक सी डी स्ट्रिप पे है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि डिफ्लेक्शन भी डिफरेंट हो गए, तो डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन कहां से आ गया, आपके क्वेश्चन में ये आएगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये डिफ्लेक्शन कहां से आया, क्योंकि रैंकिन ग्रासोफ ने ऐसा बोला है कि बाय रैंकिन ग्रासोफ स्टेटमेंट कि ये जो सेंटर पॉइंट है ना बीच वाला, ओके, बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है ना, तो अगर इसमें डिफ्लेक्शन होगा तो ऐसे होगा, देख लो, एक डिफ्लेक्शन यहां से आएगा और एक डिफ्लेक्शन यहां से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना बीच वाला टोटल डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये वाला हो गया डेल्टा वन, ये वाला हो गया डेल्टा टू, ठीक है, ऐसा। तो रैंकिन ग्रासोफ स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी स्ट्रिप एंड सी डी स्ट्रिप इज डिफरेंट बट
it should be equal at point B. Means deflection same होना चाहिए, एक common होना चाहिए P point. हमें पता है कि ये B पर उसके load के हिसाब से होगा, तो CD पर उसके load के हिसाब से होगा, उसकी length के हिसाब से होगा, पर ये P पे common होना चाहिए, क्योंकि आप ही general logic है कि अगर ये element है, ठीक है, ये समझ लो कि ये हमारा slab है, ठीक है, grid slab है, ये rectangle वाला है. तो जब डिफ्लेक्ट होगा तो बीच में कॉमन ही होगा ना, पूरे स्लैब का जो डिफ्लेक्ट होगा वो बीच में तो कॉमन ही होगा ना. हमने यहाँ पे डिवाइड करके फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे लोड कहाँ पे लाते हैं, हम सेंटर पे लाते हैं. ये स्लैब की डिजाइन हम कैसे करेंगे कि मैक्सिमम लोड एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज एट सेंटर, उसके हिसाब से हम इसे कैलकुलेट करें, हम इसे बीम पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, समझ गया. So, अब हम इसे आगे कैसे कैलकुलेट करना है, तो अब हमें पता है कि दोनों स्ट्रिप के डिफ्लेक्शन डायग्राम हमें पता है कि सिंपली सपोर्टेड है, यूडीएल है, ओके, और लेंथ है. तो देखो हम यहाँ पे 2D फिगर ड्रॉ करते हैं एक वर्टिकली इमेज करके, ठीक है, समझ लो कि ये है हमारा मीन. तो हमारे पास W नहीं है, W को हमें टोटल W से फाइंड करना होगा, W1 और W2, ठीक है. ये वाला बीच में हो गया हमारा स्ट्रिप AB, ये स्ट्रिप CD और ये स्ट्रिप AB, ओके, ये हो गया आपका AB स्ट्रिप और ये हो गया आपका CD स्ट्रिप, ओके. तो अब यहाँ पे जो स्ट्रिप बनेगी वो एल वाई के हिसाब से बनेगी और यहाँ पे जो स्ट्रिप बनेगी वो एल एक्स के हिसाब से बनेगी. तो इसकी लेंथ हो गई हमारी एल एक्स और इसकी लेंथ हमारी हो गई एल वाई, ठीक है. अब यहाँ पे जो ऊपर उसके ऊपर जो यूडीएल लोड आएगा ऐसे, ओके, ये मैं बता देता हूँ W2 और इसके ऊपर जो UDL लोड आएगा ऐसे, ये हो जाएगा W1. बट रैंकिन ग्रासोफ क्या कहता है कि यहाँ पे कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन होना चाहिए तो इसका मीनिंग ये हो गया कि W इज इक्वल टू W1 प्लस W2. मींस कॉमन डिफ्लेक्शन किसके हिसाब से आएगा, अगर यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा ऐसा, यहाँ पे अगर जो डिफ्लेक्शन होता है ऐसा, ओके, तो ये हो गया क्या डेल्टा टू के हिसाब से होगा और यहाँ पे जो इफ्लेक्शन आएगा तो ये क्या हो गया डेल्टा वन हो जाएगा. पर हमें कहाँ पे, यहाँ पे कॉमन डिफ्लेक्शन चाहिए, तो कॉमन डिफ्लेक्शन कॉमन लोड से आएगा तो इसका मीनिंग हो गया कि W1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W, तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन वन. आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है. अब रैंकिन ग्रासोफ के स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों में कॉमन डिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो इसका मीनिंग मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू एट पॉइंट बी, ठीक है. तो हमें अगर सिंपली सपोर्टेड है और उसपे यूडीएल लग रहा है तो उसके डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, इफ सिंपली सपोर्टेड एंड यूडीएल देन डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होगा 5 बाय 384 डब्ल्यूएल रेस टू 4 अपन ईआई, ये कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है. ये हमने कहां पे पढ़ा था, आई थिंक ऐसे में, ओके. तो यहां पे मैं ऐसा कह रहा हूं, कह सकता हूं कि 5 बाय 384 इनटू W1 LX 4 अपन EI. स्लैब तो एक ही है, मीन्स इलास्टिसिटी और इनर्शिया कॉमन हो, ठीक है, इज इक्वल टू 5 बाय 384 इंटू W2
एल वाई रेस टू फोर अपन ई आई। ओके ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये दोनों कट हो गए, ये भी कट हो गया क्योंकि कॉमन है। तब बचा क्या है अपने पास, तो डब्ल्यू वन एल एक्स फोर इज इक्वल टू डब्ल्यू टू एल वाई फोर। अब ये इक्वेशन में किसी एक की वैल्यू रखने के लिए किसी एक वैल्यू को हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा कह सकता हूँ कि डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टू एल वाई फोर अपन एल एक्स फोर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टू एल वाई बाई एल एक्स रेस टू फोर। ओके ये हो गया। अब थोड़ा कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूं कि एज्यूम एल वाई बाई एल एक्स इज इक्वल टू आर, एक वैल्यू दे देता हूँ, एक नियम दे देता हूँ आर। तो मैं इक्वेशन को अब ऐसे लिखूंगा कि डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर रेस टू फोर। ये हो गया अपना इक्वेशन टू। आई होप आप सब समझ रहे हैं कि मैंने क्या किया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन वन और टू, इक्वेशन वन में क्या करूंगा, मैं टू की वैल्यू रखता हूं। सो नाउ कीपिंग डब्ल्यू वन इन इक्वेशन वन, तो क्या होगा, इक्वेशन वन क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। तो क्या हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर रेस टू फोर प्लस डब्ल्यू टू हो गया, क्योंकि डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर रेस टू फोर। तो अब क्या किया मैंने, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू को कॉमन निकाला और क्या हो गया इक्वेशन आर रेस टू फोर प्लस वन। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, W2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो W2 इज इक्वल टू क्या हो गया, W बाय R रेस टू 4 प्लस 1, ये इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, तो अब यही W2 की वैल्यू, ये हमें मिल गया एक इक्वेशन W2 की वैल्यू, तो ये क्या हो गया इक्वेशन 3। ओके, अब यही W2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट ऑन करते हैं, कौन से इक्वेशन में, W1 वाले इक्वेशन। ठीक है, क्या करेंगे के पुटिंग द वैल्यू ऑफ W2 इन इक्वेशन ऑफ W1। सो W1 का इक्वेशन क्या है, W1 इज इक्वल टू W2 R रेस टू 4। तब मैं यहाँ पे रखता हूँ W1 इज इक्वल टू W R रेस टू 4 अपन R रेस टू 4 प्लस 1। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो ये क्या हो गया, हमने कैपिटल W की वैल्यू में से W1 और W2 को स्प्लिट करके उसका एक अलग सा ही फॉर्मूला फाइंड किया। तो ये फॉर्मूला को हम रैंकिन ग्रासोफ फॉर्मूला भी कहते हैं, रैंकिन ग्रासोफ फॉर्मूला। ओके, अब इस पे से हम मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो जो W1 और W2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड करेंगे उसको हम mx इज इक्वल टू W1 Lx स्क्वायर बाय 8 एंड my इज इक्वल टू W2 Ly स्क्वायर बाय 8, दोनों के डिफरेंट रेनफोर्समेंट आएंगे और दोनों के रेनफोर्समेंट को उसकी साइज के हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे। Lx के रेनफोर्समेंट को Lx डायरेक्शन में होंगे और Ly के रेनफोर्समेंट को Ly डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आई होप मैंने आपको रैंकिन ग्रासोफ फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने में किसी भी डिफिकल्टी नहीं रखी है, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो हम जब ये ग्रिड स्लैब को कैलकुलेट करेंगे रैंकिन ग्रासोफ मेथड के हिसाब से, तो हम मोमेंट को ये इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए लोड को ये इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो अब हम
ये लेक्चर में इतना ही है रैंकिन गैस ऑफ फॉर्मूला, और मुझे लगता है कि आप सबको एक्सप्लेन हो ही गया है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा जियोमेट्री के डायमेंशंस को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, और एग्जांपल की स्टार्टिंग हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, सो तब तक टेक केयर, बाय बाय।